हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप को ज्वाइन करें। इस वीडियो में ग्लिम स्टार PM2 टैबलेट के बारे में देखेंगे, किस कंपनी का है, इसका प्राइस, पैकिंग साइज़ क्या है, इसके अंदर कॉम्पोजिशन देखेंगे, कौन से इन्ग्रीडियंट से मिलकर बना हुआ है और ये किस काम आता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी कंपनी की बात करो तो मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का प्रोडक्ट है और इसके प्राइस की बात करो तो इसके MRP 125 रुपये है और रेट चेंज होता रहता है। फिलहाल जो रेट है इसका 125 रुपये है। और इसके पैकिंग साइज़ की बात करो तो इसके अंदर से जो है 10 टैबलेट निकलेंगे एक स्ट्रिप में। इसके कॉम्पोजिशन की बात करो तो इसके अंदर से टैबलेट होगी वो एक अनकोटेड बाइलेट टैबलेट होगी जिसमें ग्लिम्पराइड 2 mg, पायोग्लिटाजोन 15 mg, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में 500 mg है। ग्लिम स्टार PM2 टैबलेट जो है कॉम्बिनेशन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ ब्रांड है और एक डॉक्टर के पर्चे पे दी जाने वाली मेडिसिन है जिसे डॉक्टर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के इलाज में प्रिस्क्राइब करते हैं। ये टैबलेट क्या करती है, शुगर के मरीजों में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने और कंट्रोल करने में मदद करती है। चलिए देखते हैं टैबलेट कैसे काम करती है। इसके अंदर जो ग्लिम्पराइड है वो सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन है जिससे पैंक्रियाज जो है इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और मेटफॉर्मिन जो है बाइगनाइट ग्रुप की मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन की वजह से लीवर जो है ग्लूकोज को बनाना कम कर देता है और इंटेस्टाइन जो है ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देती है और बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। और पायोग्लिटाजोन जो है थायजोलिडिन ग्रुप की मेडिसिन है और ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। और इस तरीके से ग्लिम स्टार PM2 टैबलेट के ये तीनों इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में। इसकी डोसेज ड्यूरेशन की बात करें तो एज और बॉडी वेट के हिसाब से एक टैबलेट को दिन में एक बार या दिन में दो बार या जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उस हिसाब से लेनी होती है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद जैसे डॉक्टर ने बताया हो। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर से बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक ले तो हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो नॉर्मल लेवल है उससे भी कम हो जाना, हेडेक, डायरिया, नोजिया जैसी दिक्कत हो सकती है। अगर इस टाइप का कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे तो डॉक्टर के पास जाके संपर्क करें। और इस बात का ध्यान रखना प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी प्लानिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे या पहले से कोई और मेडिसिन चल रही है या किडनी, लीवर, हार्ट प्रॉब्लम जैसी दिक्कत है तो डॉक्टर को ज़रूर बता दें और डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जाके सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को सभी को शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।